से आपके इस बेहतरीन दलित कार्य में दाखिले का मौका मिला जाए। हमारे अफसराम, हमारे तलबा और हमारे इंतजामिया आपको पाकिस्तान का कारामत शादी बनाने के लिए हमारा मसरूफ है। आप यहाँ पर 4 साल के लिए तशरीफ लाए हैं और यहाँ पर आपके 5 से 6 घंटे गुजरेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ तलबा को, तलबा को, साथ ग्राम को और वाले को। वेलकम टू दिस कॉलेज। हम यूँ लगता है कि जैसे मशीनी दौर में दाखिल हो रहे हैं और
हमें इंसान बनने के लिए हिस्सा लेना चाहिए। मुनीर साहब इस तरह फरमा रहे हैं कि हमारी तालिबा ने पंजाब की सतह पर जो है पहली पोजीशन ली है, और आप जरा तसव्वुर कीजिए कि पंजाब के तमाम सरकारी कॉलेजेस मेरे बाकी के कार्ड और मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये जिस इदारे में आप इस वक्त बैठे हैं ये एक तारीखी इदारा है। मुझे याद है कि जब मैंने मैट्रिक किया था मैं वादा तोड़ते ही रहता था, तो अप्लाई करने में इधर आया, यहां पे मेरा मेरिट में नाम आ गया, बाद में एफसी कॉलेज में आगे बढ़ने चला गया अपने सेकंड ईयर। बाद में मैं इस हॉल में बैठा हुआ एमएससी केमिस्ट्री का एग्जाम देने इधर आया। ये कॉलेज तारीखी क्यों है? इसलिए कि 60 की दहाई में हुकूमत पाकिस्तान ने सुपीरियर साइंस कॉलेजेस का एक जाल बिछाया। हर बड़े शहर में सुपीरियर साइंस कॉलेज का निसाब पढ़ाया गया, बीएस ऑनर्स की डिग्री शुरू की गई। इस 400 के नाम का जो रकबा है, फिर ये सामने वाली बिल्डिंग बनी तो उस पर झगड़ा हो गया कि किसको देनी है, तो इस कॉलेज दोनों कॉलेजों को मर्ज कर आपस में मिलाकर सुपीरियर साइंस कॉलेज में प्रिंसिपल को दे दिया गया और उसका नाम रख दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस बादल। 1974 में यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी जूलॉजी, एमएससी जैसे कायदे आजम यूनिवर्सिटी है वो बनी ही पीएचडी और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए थी, पर बाद में वो बीएस में नीचे आई थी। तो सुपीरियर साइंस कॉलेज भी हायर स्टडीज के लिए बना था, बाद में इसमें शामिल हुआ। तो इसलिए हमारी लेबोरेटरीज इस सूबे के बाकी कॉलेजों से बेहतर है। इसीलिए हमारे असातिज़ा की तादाद में पीएचडीज और सीनियर प्रोफेसर की तादाद बाकी पंजाब के कॉलेजों से सबसे ज्यादा है। मैं इस वक्त ये कह सकता हूं कि वी हैव द बेस्ट फैकल्टी अमंग ऑल द पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस ऑफ पंजाब। Because we have around 50 PhD teachers here, and rest of them are mostly MPhils. हमारे यहाँ सादा MPhil या BS teacher मिलना मुश्किल है। इसी तरह हमारे full professors की तादाद 20वें ग्रेड के जो professors हैं, it is unmatched. सिवा नहीं या एम ए वाले बड़े कॉलेज सब किए जाते हैं, वहाँ चार या पाँच होगी हमारी तकरीबन इस वक्त फुल प्रोफेसर जो है जिसमें ग्रेड के वो 25 से ज़्यादा है, बाकी के एसोसिएट प्रोफेसर ज़्यादा हैं। ऑर्गेनाइजेशन में पिरामिड होता है, लेक्चरर्स ज़्यादा होते हैं और प्रोफेसर कम होते हैं, यहाँ पर इन्वर्टेड पिरामिड है। उसी वजह से कि जब ये साइंस कॉलेज बना था इट वाज मेंट फॉर हायर स्टडीज, रेगुलर अटेंड करनी है, और मेरा ये ईमान है जो बच्चा रेगुलर क्लास अटेंड करता है वो कभी ड्रॉप,
जो दूसरे कामों में लग जाता है वो ड्रॉप हो जाता है, जॉब शुरू कर देता है या कोई और उसके साथ मजबूरी हो जाती है। यू हैव टू बी रेगुलर, यू हैव टू लिसन केयरफुली टू योर टीचर्स वट एवर दे से इन योर क्लास एंड साइमल्टेनियसली जो उन्होंने पढ़ा दिया है उसको घर में तैयारी करनी है। मुझे कहने की जरूरत नहीं आप एफएससी करके आए या एफएससी पर माशाल्लाह वो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं जो इसका होता मुस्तकबिल है। चार साल के बाद इंशाल्लाह जितने इधर आए हैं सारे के सारे डिग्री लेकर निकलेंगे। अपने आप को बदल डालो। दूसरा काम क्या करना है? अपने दोस्त को बदल लो। ये जरा चीजें थैंक यू।